Hi friends, welcome to Vocab with Nikunj. Before we start, I suggest you that you put your headphones. So let's see, ask your words in and let's go and deal with them one by one. So this is the editorial today, and the first word is robust. So before we start, I tell you about what the editorial is about. So today's editorial talks about what has happened is WHO has released a report. Okay, उसमें उन्होंने कहा है कि जितनी डेथ हुई है दैट इज 10 टाइम्स व्हाट वाज रिपोर्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट. तो इंडियन गवर्नमेंट ने काउंटर किया है एंड आइए देखते हैं. तो द फर्स्ट वर्ड इज रोबस्ट. रोबस्ट का मतलब होता है रफ. ठीक है, यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल यूजेस. तो एक्सेस डेथ मेजर्स आर अ रफ वे टू एस्टिमेट पेंडेमिक इम्पैक्ट. एक्सेस डेथ मेजर्स जो है, ज्यादा डेथ जो मेजर्स है वो एक रफ वे है कि कितना कैसा पेंडेमिक का इम्पैक्ट होता है ये कहने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज सर्ज. सर्ज का मतलब होता है सडन और अब्रप्ट स्ट्रॉन्ग इंक्रीज. अचानक से जो स्पाइक आती है ना, इंक्रीज आता है, ज्यादा कोविड के केस में दर्ज हुआ था, उसके बारे में बात हो रही है कि पैंडेमिक डिड नॉट जस्ट कंट्रीब्यूट टू अ सर्ज टू इंक्रीज इन डिजीज रिलेटेड मॉर्टेलिटी स्पेशली इन्फॉर्म बट ऑल्सो डिस्ट्रप्टेड हेल्थ सिस्टम्स. आइए समझते हैं. पैंडेमिक ने केवल सर्ज में ही कंट्रीब्यूट नहीं किया, किसी के सर्ज में डिजीज रिलेटेड मॉर्टेलिटी. डिजीज रिलेटेड मॉर्टेलिटी मतलब जो को मॉर्बिडिटीज थी, जैसे कि मॉर्टेलिटी मतलब डेथ होता है, डेथ रिलेटेड होता है. ठीक है, स्पेशली ऑफ द एज एंड द इनफॉर्म. इनफॉर्म का क्या मतलब होता है, जो वीक लोग होते हैं, लैकिंग बॉडली और मस्कुलर स्ट्रेंथ. ठीक है, तो इसने केवल सर्च में ही कंट्रीब्यूट नहीं किया, इसने क्या किया, हेल्थ सिस्टम्स को डिस्टर्ब कर दिया. जो हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बिल्कुल चरमरा सा गया था सेकेंड वेव में. ठीक है, तो डिस्टर्ब का मतलब डिस्टर्ब हमारा एक्स्ट्रा नेक्स्ट वर्ड है जिसका मतलब होता है थ्रोइंग टू डिसऑर्डर. ठीक है, ये है. नेक्स्ट वर्ड इज मेथोडोलॉजी. मेथोडोलॉजी का क्या मतलब होता है ये देखते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ हैज स्ट्रॉन्गली डिनाइड द नंबर्स एंड डिसमिस्ड द मेथोडोलॉजी by saying that the WHO approach is based on modeled estimates and not actual data. Government ने deny किया है और dismiss किया है. methodology होती है कोई भी चीज को conduct research conduct करने का जो तरीका होता है उसे methodology कहते हैं. और ये जो WHO की methodology है उसके बारे में बात हो रही है. ठीक है, और ये कह रहे हैं, government ने कहा कि WHO का जो approach है वो based on modeled estimates है. ठीक है, मॉडल का क्या मतलब, मॉडल क्या, मॉडल का मतलब आप सब लोगों को मालूम होगा. एज अ नाउन, एज अ वर्ब मॉडल होता है एक्ट और इंस्टेंस ऑफ मेकिंग अ रिप्रेजेंटेटिव पैटर्न. ठीक है, तो जो डेटा अवेलेबल है या यू नो छोटा सा डेटा कुछ उसके हिसाब से पैटर्न बताना, बनाना, एक्सट्रापोलेट करना, उसे मॉडल कहते हैं एज अ वर्ब. तो गवर्नमेंट का कहना है कि मेथोडोलॉजी सही नहीं है क्योंकि WHO का जो अप्रोच है वो बेस्ड ऑन मॉडल्ड एस्टिमेट्स है, एस्टिमेट पे बेस्ड है एंड एक्चुअल डेटा पे बेस्ड नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज काउंटर. काउंटर का मतलब होता है स्पीकिंग रिस्पॉन्स, जवाब देना. उसने जवाब कैसे दिया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया CRS सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट फॉर 2020 and saying that the cumulative increase in the number of death was only 4.74 lakh. और उसने कहा कि जो cumulative का क्या मतलब होता है, स्टेप बाई स्टेप जब ऐड करते हैं. ठीक है, तो मान लीजिए आज दो टेस्ट होती हैं, कल तीन डेथ हुए तो कल पांच हो गया, फिर परसों दो हुए तो सात हो गया. ऐसे जो स्टेप बाई स्टेप होती हैं चीजें, इंस्टेंसेस होते हैं, उनको ऐड करते जाने को कम्युलेटिव कहते हैं. तो कम्युलेटिव इंक्रीज जो थी वो ओनली 4.74 लाख थी, जो कि 2019 के करस्पॉन्डिंग नंबर से भी कम थी. ठीक है, नेक्स्ट वॉल इज निगेट. निगेट का क्या मतलब होता है, बी इन कॉन्ट्रेक्शन विद. आइए देखते हैं कॉन्टेक्चुअल यूजेजेस का. व्हाइल मोस्ट डेथ्स occurred during the second wave, therefore the rate release of the CRS report does not entirely negate the WHO estimate. तो जो CRS की report है वो completely contradict नहीं करती WHO के estimates को, जो कि और WHO के estimates किस पे based है, registered death data available from sub national units. ठीक है, देखिए indeed कुछ तो बात है, कुछ तो दाल में काला है, discrepancy है. discrepancy मतलब जब difference between conflicting facts, जो अलग अलग फैक्ट में डिफरेंस होता है उसे डिस्क्रिपेंसी कहते हैं. ठीक है, 2020 डेटा में कुछ तो गड़बड़ है. ठीक है, डिस्क्रिपेंसी है. नेक्स्ट वर्ड इज स्क्यू. जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा वो स्क्यू के बारे में थोड़ा सा जानते होंगे. स्क्यू का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना. ये देखते हैं, अ केस इन पॉइंट इज उत्तर प्रदेश वेयर डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन
fell significantly and therefore skewed the overall country numbers. उत्तर प्रदेश जो है वो को देखा जा सकता है जहां पे डेथ और बर्थ रजिस्ट्रेशंस अच्छे से गिर गए थे, ठीक है। और जब उन्होंने थोड़ा सा गिरा, मतलब यूपी की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है इंडिया में, तो उसने क्या किया, पूरे कंट्री के डेटा को स्क्यू कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया, ठीक है, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट वर्ल्ड अंडरटेकिंग द गवर्नमेंट मस्ट नॉट डिसमिस द WHO एस्टिमेट्स एंड शुड लुक एट अंडरटेकिंग इट्स ओन एक्सरसाइज। गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं करना चाहिए WHO के एस्टिमेट्स को, और इंस्टेड यू नो इट शुड एक्सेप्ट इट एज अ चैलेंज एंड लॉन्च इट्स ओन एक्सरसाइज, ठीक है। अंडरटेकिंग का मतलब होता है एक्सेप्ट एज अ चैलेंज, ठीक है। तो उनके खुद के एक्सरसाइज को की बात हो रही है, और कहा जा रहा है आफ्टर ऑल अदर मेथड्स इंक्लूडिंग सर्वेज हैव कोलैबोरेटेड द फैक्ट दैट देयर वाज अ हाई अंडर रिपोर्टिंग ऑफ कोविड-19 डेथ्स। आफ्टर अदर जो ऑल मेथड्स से इंक्लूडिंग सर्वेज हैव कोलैबोरेटेड, कोलैबोरेटेड हमारा नेक्स्ट अगला वर्ड है, इसका मतलब होता है बैकअप विद एविडेंस ऑफ अथॉरिटी और मेक मोर सर्टेन, कंफर्म करते हैं, कोलैबोरेट का मतलब कंफर्म करना कह सकते हैं, ठीक है। और जो सर्वेज हुए थे उन वो कंफर्म करते हैं कि कुछ तो अंडर रिपोर्टिंग हुई थी कोविड-19 के डेथ्स की इस पैंडेमिक में। तो ये था आज का एनालिसिस, ये थे आज के वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आई होप यू लाइक द सेशन, सो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।